हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये पानी के जार का हमने कवर बनाया है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, पूरा जार में दाग लगा हुआ है और नीचे से पूरा ये गड्ढा गड्ढा पचका हुआ है। तो कोई कोई जार इतना भद्दा होता है कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसका हम कवर बनाएंगे। तो देख लीजिए, जहाँ से ये पॉइंट है ये वाला, यहाँ से 1.5 इंच प्लस करके दोनों साइड में रखेंगे तो 11 इंच हमारा यहाँ रहा है। तो पूरा 11 इंच गोलाई इसका हम कटिंग करेंगे ऊपर के लिए। उसके बाद में जहाँ से जाड़ का चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ पे नापेंगे, तो हमारा 33 इंच आ रहा है। तो 1 इंच प्लस करके इसको हम 34 इंच पर काटेंगे। और जहाँ से गोलाई नापा है यहाँ से लंबाई नाप लेंगे, तो लंबाई हमारा 21 इंच आ रहा है यहाँ तक। इसमें हम 2 इंच का पट्टी रखेंगे, तो पट्टी अलग से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम कटिंग करने जा रहे हैं कपड़ा को। तो ये कपड़ा का जो चौड़ाई है 22 गिरे यानी 44 अर्ज का कपड़ा है। अगर 36 इंच का कपड़ा अर्ज हो तो और अच्छा है। तो हमारे पास 44 इंची का अर्ज का है, तो इसी का हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसको हम कपड़ा को सेट कर लेंगे 17 इंची पे सेट करके निशान लगा देंगे इसका। तो 17 इंची नीचे में भी निशान लगा दिया हमने, निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे। और ऊपर से जो लंबाई नापा था हमने, ये 21 इंची नापा था, तो 21 इंची पे निशान लगा के इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया दोस्तों। अब ऊपर का जो गोलाई काटेंगे, तो गोलाई काटने के लिए हमने पहले ही कपड़ा 11 बाई 11 इंची का ये कटिंग कर लिया है। तो इसको इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से बिल्कुल पॉइंट से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर भी 5.5 इंच पर निशान लगा के इसको अच्छा से गोलाई बना के इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया दोस्तों। अगर थोड़ा अच्छा से गोलाई ना बने तो इसको बाद में थोड़ा थोड़ा कटिंग करके इसको गोलाई अच्छा से बना लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा गोलाई अच्छा से बन गया, पूरा 11 इंची का है ये, 11 बाई 11 इंची का पूरा गोलाई कटिंग हो गया हमारा ये। अब नीचे के चुनट के लिए पट्टी काटेंगे। तो पट्टी को अच्छे से बैठा के अच्छा से 2 इंची का पट्टी हमारा, तो ये 3 इंची चौड़ाई काटेंगे, इसलिए कि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा दोस्तों। तो ये 3 इंच का चौड़ाई का पट्टी हम कटिंग कर लिया है। इसी को ऊपर रख के 2-3 टो पट्टी के लिए काट लेंगे। 2 का भी पहुंच जाएगा, 3 भी काट लेंगे, तो कपड़ा ज़्यादा है तो 3 काट लेते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये हमने पट्टी 3 टो काट लिया है। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं लेके आपको मशीन पर, इसका सिलाई बताते हैं आपको। तो दोस्तों, मशीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लंबाई वाला जो हिस्सा है इसको हम पहले सिलाई करके ज्वाइन कर लेते हैं पहले। अगर आपके पास इंटरलॉक ना हो तो एक ही बार में इसको लोट पोट करके पका कर सकते हैं। अगर इंटरलॉक हो तो कच्चा करके इसमें इंटरलॉक लगा लेंगे, ताकि कपड़ा ना धागा ना निकले। अगर इंटरलॉक ना हो तो ऐसे आप इसको डबल मोड़ के भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारा इंटरलॉक जब तक लग रहा है, जब तक इसको हम नीचे के चुनट के लिए पट्टी इसका जोड़ लेते हैं। तो पट्टी हमारा जुड़ गया दोस्तों, इंटरलॉक भी हमारा लग गया इसमें। और जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको नीचे रख के, पट्टी को ऊपर से रख के इसको हम 1 चाप का मार्जिन से इसको कच्चा करेंगे। नीचे वाला पल्ला को थोड़ा लूज रखेंगे, ऊपर वाला पल्ला को हल्का हल्का घिस के लगाएंगे इसको, तान के 1 चाप का मार्जिन बिल्कुल बराबर लेके इसको अच्छा सेट करके पूरा कच्चा कर लेंगे गोलाई इसका। नीचे का पल्ला लूज ही रखे दोस्तों, इसलिए कि
गुलाई कटा हुआ है तो हल्का सा रखता है, ऊपर का पला नहीं तनकेगा, तो नीचे का पला लूज रख के उसको कच्चा कर लेंगे। तो ये हमारा कच्चा हो गया दोस्तों, देख लीजिए। और इसमें भी इंटरलॉक हम लगा लेते हैं, तो इंटरलॉक भी लग गया हमारा। अब नीचे का इसका हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए 2-3 इंच छोड़ के इसमें हम पट्टी को फिर डापेंगे, 1 इंची का गैप देके। ये पट्टी आप चाहे तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक कपड़ा पहुंच जाएगा पूरा कवर के लिए, तो हम एक ही कलर का बना रहे हैं। अगर आपके पास बचा हुआ टुकड़ा हो तो उससे भी आप 2-3 कलर का ऐसे करके ध्यान से आप बना सकते हैं। 1 इंची का गैप देते हुए पूरा हमें प्लेट हम लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम उसका बताएंगे कैसे है। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पे है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम 2-3 इंची लंबा छोड़ के इसको हम कटिंग कर लेंगे, ताकि यहाँ पे हमें प्लेट देना है। देख लीजिए हमने 2-3 इंची छोड़ के इसको हम कच्चा कर लिए हैं पट्टी को, और यहाँ पे भी प्लेट डाल के इसको हम बैठा लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पूरा प्लेट दब गया है। अब इसमें हम इंटरलॉक लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इंटरलॉक लग गया दोस्तों। अब इसको पलट के लब का सिलाई या चाप का सिलाई लगा लेंगे। लब का भी लाने से कोई दिक्कत नहीं है, चाप का भी सिलाई लाने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसा आपको आसान लगे उस तरह से आप सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको इसको हम पानी के जार में लगा के दिखाते हैं कैसा दिखता है बनने के बाद में। तो पहले सीधा कर लेते हैं, देख लीजिए कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो हम इसको डाल के दिखा रहे हैं आपको कितना आसानी से ये आराम से डल जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए डलने के बाद में कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग इस तरह से बना लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।